अगर आपने अपना ई श्रम कार्ड बना लिया है और आपके ई श्रम कार्ड में किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक है और आप उसे सुधार करना चाहते हैं, या फिर आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन में किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक है, आप उसे अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशन एंड इनकम, ऑक्यूपेशन एंड स्किल, बैंक अकाउंट डिटेल्स में किसी भी तरीके की अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने ई श्रम कार्ड में पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर इंटर करेंगे और सेम कैप्चा कोड आप यहाँ पर इंटर करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी को आप यहाँ पर इंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है और यहां पर आप टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपना आधार कार्ड नंबर डालकर और टर्म को एक्सेप्ट करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अपडेट प्रोफाइल का और डाउनलोड UAN कार्ड का। यानी आप डाउनलोड UAN कार्ड पर क्लिक करके आप अपने ई श्रम कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा अपडेट प्रोफाइल का, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां से आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, एजुकेशन एंड इनकम में अपडेट कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन एंड स्किल में कुछ भी अपडेट करना चाहते हो तो आप अपडेट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स भी अपना अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रीव्यू प्रोफाइल पर क्लिक करके अपने फॉर्म की पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि हमने कहां पर क्या फिल किया हुआ है। जैसे कि अगर आपको अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे कि अगर आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है या फिर ईमेल आईडी चेंज करनी है या फिर मैरिटल स्टेटस चेक करना है या फिर फादर नेम चेंज करना है, जो भी आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं चेंज करके आप यहाँ अपडेट पर क्लिक करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, यानी अगर आप दूसरा बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करेंगे, अकाउंट होल्डर नेम डालेंगे और IFSC कोड इंटर करके यहां सर्च पर क्लिक करेंगे तो बैंक नेम और ब्रांच नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आप यहां पर अपडेट पर क्लिक करेंगे तो बैंक अकाउंट अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अपना ऑक्यूपेशन एंड स्किल चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके अपना ऑक्यूपेशन एंड स्किल चेंज कर सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं, आप उसे चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से आप अपना एजुकेशन एंड इनकम भी चेंज कर सकते हैं। सब कुछ चेंज करने के बाद अगर आप अपना प्रोफाइल चेक करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि हमने किस जगह पर क्या डिटेल्स फिल की है। जैसे कि पर्सनल डिटेल्स में अपना मोबाइल नंबर देख सकते हैं, इमरजेंसी मोबाइल नंबर देख सकते हैं, ईमेल देख सकते हैं, मैरिटल स्टेटस देख सकते हैं, फादर नेम देख सकते हैं, सोशल कैटेगरी देख सकते हैं, ब्लड ग्रुप देख सकते हैं, यानी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम यहां से बैक जाएंगे तो गाइज आप इस तरीके से अगर अपने ई श्रम कार्ड में कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इजीली यहां से चेंज कर सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। साथ ही अगर ई श्रम कार्ड से रिलेटेड आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।